इससे पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 6.6 के पहले 7 क्वेश्चंस को सॉल्व किया और हमने देखा कि सारे क्वेश्चंस एक फार्मूला यूज़ करते हुए सॉल्व हुए। वो फार्मूला हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के जनरल टर्म का था, जो कि है ए एन इज इक्वल टू ए वन आर रेज टू पावर एन माइनस वन। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि सारे क्वेश्चंस इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए सॉल्व होंगे। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 है, शो दैट रेसिप्रोकल्स ऑफ टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ए वन ए वन आर स्क्वेयर ए वन आर रेज टू पावर फोर एंड सो ऑन फॉर्म अनदर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कि एक हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, अगर हम इसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल लें तो तब भी हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आना चाहिए। सबसे पहले हम रेसिप्रोकल्स ले लेते हैं। रेसिप्रोकल्स ऑफ टर्म्स तो वो हमारे पास हो जाएंगे वन ओवर ए वन वन ओवर ए वन आर स्क्वेयर वन ओवर ए वन आर रेज टू पावर फोर एंड सो ऑन। अब ये हमारे पास एक सीक्वेंस आ गया। हमने बताना ये है कि ये जो सीक्वेंस है ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं। एक्चुअली हमने प्रूव करना है कि ये हमारे पास जब हम रेसिप्रोकल्स लेंगे तो एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनेगा। जैसे कि आपको पता है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें दो कंजेक्टिव टर्म्स के दरमियान जो रेशियो है वो सेम होती है। अगर मैं इन दो टर्म्स की रेशियो लूँ तो आर कॉमन रेशियो इज वन ओवर ए वन आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय वन ओवर ए वन, तो इसका मेरे पास आंसर आ जाएगा वन ओवर आर स्क्वेयर। सिमिलरली अगर मैं इन दो टर्म्स की रेशियो लूँ और उसका आंसर भी सेम आए तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो टर्म्स हैं ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हैं जिनमें कॉमन रेशियो जो है वो सेम है। तो ये आ जाएगा आर इज इक्वल टू वन ओवर ए वन आर रेज टू पावर फोर होल डिवाइडेड बाय वन ओवर ए वन आर स्क्वेयर। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी हमारे पास वन ओवर आर स्क्वेयर आ जाएगा। सिंस द कॉमन रेशियो इज सेम सो दीज टर्म्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ ए फाइव ओवर ए थ्री इज इक्वल टू फोर ओवर नाइन एंड ए टू इज फोर ओवर नाइन। हमने nth टर्म फाइंड करना है। nth टर्म का हमारे पास फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का ए एन इज इक्वल टू ए वन आर रेज टू पावर एन माइनस वन। हमें एक तो ए वन चाहिए और दूसरा आर चाहिए जो कि हमारे पास कॉमन रेशियो है। तो हम देख लेते हैं ए टू जो है जिसकी वैल्यू हमारे पास फोर ओवर नाइन है, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ ए टू इज इक्वल टू ए वन आर इज इक्वल टू फोर ओवर नाइन और ए वन आर इज इक्वल टू फोर ओवर नाइन। उसके बाद हमें एक चीज गिवन है, रेशियो दी गई है दो टर्म्स की ए फाइव ओवर ए थ्री इज इक्वल टू फोर ओवर नाइन। ए फाइव को इस तरीके से लिखा जा सकता है ए वन आर रेज टू पावर फोर बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला
और a3 को इस तरीके से लिखा जा सकता है a1 r स्क्वेयर यूजिंग जनरल टर्म फार्मूला इज इक्वल टू 4/9। तो यहाँ से हमारे पास r स्क्वेयर की वैल्यू आएगी 4/9 और r इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/3। हमारे पास r की वैल्यूज आ गई। अब एक चीज़ हमने फाइंड करनी है फर्स्ट टर्म a1, तो हम यहाँ से फाइंड करेंगे कि a1 r इज इक्वल टू 4/9। यहाँ पे हम r की वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास a1 की वैल्यू आ जाएगी। पहली दफ़ा हम पॉजिटिव वैल्यू पुट कर देते हैं, a1 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 4/9। तो यहाँ से हमारे पास a1 की वैल्यू आ जाएगी, a1 इज इक्वल टू 2/3। देन उसके बाद दूसरी दफ़ा हम नेगेटिव वैल्यू पुट कर देते हैं r की, a1 इंटू -2/3 इज इक्वल टू 4/9 एंड a1 इज इक्वल टू -2/3। हमारे पास a1 की वैल्यू भी आ गई, r की वैल्यूज़ भी आ गई। अब हम nth टर्म जो है फाइंड कर सकते हैं। पहली दफ़ा हम पॉजिटिव वैल्यूज पुट कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है an इज इक्वल टू a1 r रेज टू पार n -1। a1 की जगह पे 2/3 और r की जगह पे भी 2/3 रेज टू पार n -1। तो ये हो जाएगा an इज इक्वल टू 2/3 रेज टू पार n। सिमिलरली जब आप a1 की जगह पे -2/3 पुट करेंगे, r की जगह पे -2/3 पुट करेंगे, तो आपके पास an की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2/3 रेज टू पार n। तो आपने nth टर्म जो है वो फाइंड कर ली। हमने क्वेश्चन में nth टर्म फाइंड करना थी, हमें दो चीज़ें गिवन थी, एक तो सेकंड टर्म का पता था और दूसरा दो टर्म्स की रेशो दी गई थी। nth टर्म फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है a1 r रेज टू पार n -1। तो हमने सबसे पहले तो a1 फाइंड करना था और साथ ही r फाइंड करना था। तो a2 जो है उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है a1 r, मैंने उसको इस तरीके से लिख दिया। उसके बाद a5 और a3 को थोड़ा सा खोल के लिखा, वहाँ से हमारे पास r की वैल्यू आ गई। वो r की वैल्यू हमने पुट की तो हमारे पास a1 की वैल्यू आ गई। दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, वो वैल्यूज़ हमने जनरल फार्मूला में पुट की तो हमारे पास nth टर्म आ गई। देन क्वेश्चन नंबर 10 इज फाइंड 3 नंबर्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हूज सम इज 26 and their product is 216। हमने तीन नंबर्स फाइंड करने हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जिनका सम 26 हो और प्रोडक्ट 216 हो। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर्स आर 2/r, a एंड ar। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में है, इनमें कॉमन रेशो जो है वो सेम है जो कि हमारे पास r है। कंडीशन हमारे पास ये दी गई है कि सम ऑफ नंबर्स इज 26। इट मीन्स दैट a/r प्लस a प्लस ar इज इक्वल टू 26। अगर मैं इन सब को ऐड करूं तो r LCM आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस ar प्लस ar स्क्वेयर इज इक्वल टू
26 or a plus ar plus ar square is equal to 26 r. दूसरी कंडीशन हमारे पास दी गई है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज 216. तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 216 के इक्वल है. ए ओ आर मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय ए आर इज इक्वल टू 216. यहाँ से हमारे पास आर आर के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा ए क्यूब इज इक्वल टू 216 और ए इज इक्वल टू 6. ये जो ए की वैल्यू है ये हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी. ए की जगह पे हम इस इक्वेशन में 6 पुट कर लेते हैं. ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वेयर माइनस 26 आर इज इक्वल टू 0. ए की जगह पे 6 पुट कर दें. 6 प्लस 6 आर प्लस 6 आर स्क्वेयर माइनस 26 आर इज इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास हो जाएगा थ्री आर स्क्वेयर माइनस 10 आर प्लस 3 इज इक्वल टू 0. मैंने ऐड किया है इन दोनों को 6 आर माइनस 6 आर को और उसके बाद 2 कॉमन ले लिया. ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन आर. इसको हम बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे तो इसके हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे आर माइनस 3 एंड 3 आर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. आर की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई. आर इज इक्वल टू 3 एंड आर इज इक्वल टू 1/3. ए भी हमारे पास आ गया आर भी हमारे पास आ गया तो अब हम नंबर्स जो हमने लेट किए थे वो हम फाइंड कर सकते हैं. पहला नंबर हमने लेट किया था ए ओवर आर तो ये हमारे पास हो जाएगा 6/3 विच इज इक्वल टू 2. दूसरा नंबर ए इज इक्वल टू 6. तीसरा नंबर ए आर विच इज इक्वल टू 18. सिमिलरली हम आर की जगह पे 1/3 पुट करेंगे तो उसका हमारे पास आंसर आ जाएगा. ये हमारे पास सीक्वेंस बन गया 2, 6 एंड 18 नंबर्स आ गए. और जब हम आर की जगह पे 1/3 पुट करेंगे तो हमारे पास नंबर्स आएंगे 18, 6 एंड 2. देन क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 इज इफ 1/A, 1/B and 1/C आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शो दैट कॉमन रेशियो आर इज प्लस माइनस ए ओवर सी होल स्क्वायर रूट. अगर हमारे पास 1/A, 1/B और 1/C जो है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो तो हमने शो करना है कि कॉमन रेशियो जो है वो ए ओवर सी है. सीक्वेंस हमारे पास है 1/A, 1/B, 1/C. अगर हम कॉमन रेशियो फाइंड करें आर इन दो टर्म्स की तो वो हमारे पास होगी 1/B/1/A विच इज इक्वल टू 1/A.
उसके बाद हम नेक्स्ट टू टर्म्स की कॉमन रेशियो फाइंड करें, तो ये हमारे पास हो जाएगी 1 ओवर सी डिवाइडेड बाय 1 ओवर बी विच इज इक्वल टू बी ओवर सी। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा आर मल्टीप्लाइड बाय आर इज इक्वल टू ए ओवर बी मल्टीप्लाइड बाय बी ओवर सी। इस साइड पे ये हो जाएगा आर स्क्वेयर इज इक्वल टू बी, बी के साथ कैंसिल हो जाएगा ए ओवर सी, एंड आर इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर सी होल स्क्वेयर रूट। और यही हमने प्रूव करना था। हमने क्या किया कि कॉमन रेशियो फाइंड कर ली, पहले इन दो टर्म्स की और उसके बाद नेक्स्ट टू टर्म्स की, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। देन लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज इफ थ्री नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इंक्रीज्ड बाय 1, 4 and 15 रिस्पेक्टिवली, द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फाइंड द नंबर्स इफ देयर सम इज 6। अगर हमारे पास तीन नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो और हम उनको इंक्रीज कर दें बाय 1, 4 and 15, तो हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ जाते हैं। हमने नंबर्स फाइंड करने हैं अगर उनका सम जो है वो 6 हो। सबसे पहले हम नंबर्स को लेट कर लेंगे जो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं। लेट नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी। एज यू नो द डिफरेंस बिटवीन टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज सेम। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 6, कि सम ऑफ नंबर्स जो है वो हमारे पास 6 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 6 एंड a इज इक्वल टू 2। अब दूसरी कंडीशन ये है कि अगर जो पहला नंबर है इसमें 1 ऐड कर दें a माइनस डी प्लस 1, दूसरा नंबर जो है a इसमें 4 ऐड कर दें, और तीसरा नंबर जो है a प्लस डी इसमें हम 15 ऐड कर दें, तो ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में चले जाते हैं। अगर ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हैं तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो कॉमन रेशियो है वो सेम होनी चाहिए, कि a प्लस 4 ओवर a माइनस डी प्लस 1 शुड बी इक्वल टू a प्लस डी प्लस 15 डिवाइडेड बाय a प्लस 4। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस 4 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a प्लस डी प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाय a माइनस डी प्लस 1। इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और सारे टर्म्स को एक साइड पे लेके आएंगे तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि होगी
d square plus 14d minus 15 is equal to 0. इस इक्वेशन में आप एक ही जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 2 और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी. आप खुद इसको चेक करेंगे आपके पास यही इक्वेशन आएगी. इसको जब आप बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास d की दो वैल्यूज आ जाएंगी, d इज इक्वल टू माइनस 15 एंड d इज इक्वल टू 1. अब हमारे पास a भी आ गया है, d भी आ गया है, तो अब नंबर्स जो हैं वो इजीली फाइंड कर सकते हैं. हमारे पास नंबर्स थे जो हमने लेट किए a माइनस d, a एंड a प्लस d. a की वैल्यू हमारे पास 2 है, d की वैल्यू हमारे पास 1 भी है और d की वैल्यू हमारे पास माइनस 15 भी है. ये वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो आपके पास जो नंबर्स आएंगे वो आएंगे 1, 2, 3 एंड जब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास नंबर्स आएंगे 17, 2 एंड -13. आप खुद ये पुट करके चेक करेंगे तो आपके पास यही आंसर आएगा.